हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नया संडे, एक नई सफर, एपिसोड नंबर 18 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टाइटल से तो आपने जान ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। इस बार मैं आपको लेके चलूँगा कश्मीर। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह है और इतनी अच्छी जगह है ना कि इंडिया के सर का ताज है। इसको बोलते हैं द क्राउन ऑफ इंडिया। अब तो क्राउन ऑफ इंडिया है तो कितना इम्पोर्टेंट होगा ये आपको पता ही है। कश्मीर का एक बहुत ही चर्चे वाला टॉपिक है, ये हमेशा चर्चा में रहा है, कभी कुछ अच्छी चीज़ों में, कभी कुछ बुरी चीज़ों में। बट ये सही में दुनिया में अगर जन्नत है तो जन्नत ही है। और दोस्तों, जन्नत पाने के लिए तो थोड़ा सा संघर्ष तो होता ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा है वो हमारे पास ही रहे। तो दोस्तों, कश्मीर के बारे में सुशांत सिंह केदारनाथ में भी बहुत अच्छी चीज़ बोला था उन्होंने। केदारनाथ के बारे में तो था ही था, पर कश्मीर के बारे में था। इन वादियों में टकरा गए हैं, यूँ तो मुसाफिर कहीं, दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूँ तो कहीं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कश्मीर कहाँ स्थित है, वहाँ पर कैसे जाया जाता है, वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था क्या है, वहाँ पे घूमने लायक जगह क्या है, आप वहाँ से क्या शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ पे क्या खाना चाहिए, कौन से मौसम जाना चाहिए। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी जगह ले जाऊँगा कश्मीर में जो उतनी पॉपुलर नहीं है, बट अगर आप कश्मीर जाओ उस सीज़न में तो उस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को कि आगे भी अपडेट्स आते रहे, हर संडे एक नया वीडियो आता रहे, आप देखते रहो, हमारी फैमिली बढ़ते जाए। हमारी फैमिली 3000 क्रॉस करने वाली। दोस्तों, बिग थैंक यू टू माय व्यूअर्स, टू माय सब्सक्राइबर्स, आपके बिना ट्रैवल थेरेपी कुछ नहीं। हम चलते हैं कश्मीर कहाँ लोकेटेड है। अब जब वो कहावत सुनी होगी आपने अपनी लाइफ में एक बार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ से साउथ तक, राइट। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का मतलब है कश्मीर एकदम नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का, वो बॉर्डर करता है चाइना और पाकिस्तान को। ऐसे ही मैं तो इंडिया के बारे में बताऊंगा, बट एक जनरल नॉलेज के लिए, कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक है COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, और एक है हमारा कश्मीर। तो अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको तो रहने ही देते हैं, हम हमारी कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर, श्रीनगर में एयरपोर्ट है। तो आप इंडिया के मेजर शहरों से कश्मीर जाने के लिए फ़्लाइट लेना है तो आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको ट्रेन से जाना है वो सुविधा भी है, आपको जम्मू स्टेशन उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपको टैक्सी या बस लेना पड़ेगा जो 60-70 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। आप अगर एक रोड ट्रैवलर हो, रोड ट्रिप ट्रैवलर हो और आपको एडवेंचर बहुत पसंद है, तो कश्मीर इज़ वेल कनेक्टेड फ्रॉम नेशनल हाईवेज। मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनल हाईवे इज़ नेशनल हाईवे नंबर 1, बहुत अच्छी हाईवे, बहुत ही सीनिक जगह। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, आपके स्टेट पर डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो। एवरेज कॉस्ट कश्मीर के फ्लाइट का थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट इज़ नॉट सो फ्रीक्वेंट है, मतलब उसमें उतनी ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ान नहीं करते। टेंटेटिवली अगर आप बॉम्बे से उसकी फ़्लाइट लो तो आपको ये 1 way 5,500-6,000 rupees पड़ जाएगा। ट्रेन की टिकट आपको मेजर शहरों से 2,500-3,000 rupees तक पड़ सकता है, 1,800-3,000 rupees तक, जहाँ तक कि आपका बजट, आप कौन सा क्लास लेते हो उस हिसाब से। अब रोडवेज के लिए तो आपका फ्यूल कितना लेता है गाड़ी वहाँ पे। मैं आगे बढ़ने के पहले मैं कश्मीर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ आपको। इंडिया में वो ही एक ऐसा स्टेट है जिसका खुद का ओन फ्लैग है, तो अगर होस्ट करते हैं वो लोग एक इंडिया का फ्लैग होस्ट करते हैं, एक खुद का एक फ्लैग होस्ट करते हैं, और कोई स्टेट के पास ऐसा खुद का फ्लैग नहीं। कश्मीर इस वो तीसरे नंबर पे आता है केसर प्रोड्यूस करने में, मतलब कश्मीर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रन। कश्मीर का पीर पनाल टनल इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। एंड द लास्ट फैक्ट इज दोस्तों, कश्मीर सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन थी मुगल्स और ब्रिटिश के लिए, एक हिल स्टेशन थी, हनीमून स्पॉट था उनके लिए, बहुत ही प्यारा था उनके लिए वो जगह। बता दिया कि आप कश्मीर कहाँ हैं,
आप कैसे जा सकते हैं, कुछ फैक्ट्स बता दिए कश्मीर के। आप पहले चलो घूम लेते हैं कश्मीर, फिर खाने पे आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या शॉपिंग करना चाहिए। तो कश्मीर आप गए हो तो आप श्रीनगर उतरोगे, रेकमेंडेड आप श्रीनगर उतरो। और श्रीनगर से आप है ना कैब ले सकते हो, या नॉर्मल आप अगर मतलब फ्रेंड्स जा रहे हो या कपल जा रहे हो तो रेकमेंड करूँगा बाइक ले लेना। बाइक हायर करो उधर, कुछ 200 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ तक पड़ता है पर डे का रेंट, डिपेंडिंग ऑन योर बाइक, ठीक है। और वो लेके आप कश्मीर में रह सकते हो, और कश्मीर से 50 to 60 किलोमीटर्स दूर सब टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, आप जा सकते हो, वापस कश्मीर आ सकते हो। ये रेकमेंडेड है कश्मीर के आइटनरी में। कश्मीर घूमने के लिए आपको एक 7 डेज़ की आइटनरी बनानी पड़ेगी, और मैं आपको जगह बता देता हूँ। तो अपने लिस्ट में हमारी पहली जगह पटनी टॉप। दोस्तों पटनी टॉप ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या ध्यान आया बताओ। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एक है ना इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस है, यहीं से वो उरी की फ्लाइट निकली थी अटैक के लिए, ऐसे ही जनरल नॉलेज बता रहा था आपको। तो पटनी टॉप उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट है। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो 6,600 फीट अबाउ सी लेवल है, मतलब 6,600 फीट अबाउ सी लेवल है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही आइकॉनिक जगह है, जैसे कि फोटोज और वीडियोस में देख रहे हो। ये बहुत ही फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है जो भी आदमी कश्मीर जाए। कश्मीर जाने का वन ऑफ द सेफेस्ट एरियाज है ये, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इंडियन आर्मी तैनात रहती है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर यू नो टूरिस्ट स्पॉट है, और ये फेमस है अपने हनीमून स्पॉट्स के लिए। और यहाँ पे ठंड में बहुत ही यू नो बहुत ये बर्फ़ होती है, तो फेवरेबल मतलब आपको एकदम पीक सीजन मिलेगा पटनी टॉप जाने का अक्टूबर टू लेके फेब्रुअरी एंड तक। यहाँ की ये खासियत है कि आप लोकल से बात कर सकते हो। नियर बाई अट्रैक्शन में नथान टॉप है, पैराग्लाइडिंग इन पटनी टॉप इज़ वेरी गुड। फिर वहाँ पे आपको एक सिटी शॉपिंग भी अच्छा है। अब जाओ कश्मीर तो यू नो यू शुड विजिट पटनी टॉप, बहुत ही आइकॉनिक डेस्टिनेशन है, बहुत ही पिक्चरस डेस्टिनेशन है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। पटनी टॉप को कश्मीर में पठान द ढाबा बोला जाता है, इसका मतलब होता है द पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। सोचिए कश्मीरी जब इसको ऐसा नाम दिए तो कितना ब्यूटीफुल होगा ये। दोस्तों कश्मीर में पटनी टॉप के बाद कुछ और पटनी टॉप से इंटरेस्टिंग और सबका फेवरेट जगह है तो है गुलमर्ग, ऐसे कनेक्ट किया जगह से। अब गुलमर्ग की क्या खासियत बताऊँ आपको, जैसे कि फोटोज और वीडियोस में देख रहे हैं, बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है ये, बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पर शूट हुई है, मतलब पुराने जनरेशन से लेकर आज तक के जनरेशन को ये बीट ही नहीं कर पाया है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड या यूरोप या कोई भी यू नो ऐसा एग्जॉटिक प्लेस की जगह बात करते हो, उस जगह को ये कभी भी बीट कर सकते। इस जगह में जाने के आपके दो फायदे हैं, या तो आप समर्स में भी जा सकते हो या तो आप विंटर्स में भी जा सकते हो। दोनों में जाने के अपने अपने फायदे हैं। विंटर्स में ये पूरी तरह बर्फ़ में ढका रहता है। ये बहुत ही फेमस स्पॉट है इंडिया में स्कीइंग के लिए। स्कीइंग वो होता है जो बर्फ़ पे स्केटिंग करते हैं, उसको स्कीइंग बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस अलपत्रा लेक है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। यह फेमस है अपने ब्लू वाटर के लिए, और ये विंटर्स में फेमस है यू नो लेक वॉक के लिए। जो जैसे कि आपने अगर मैं लेह लद्दाख का वीडियो देखा होगा तो उसमें जैसे बताया था आपको मैंने कि पैंगोंग लेक पे लोग विंटर्स में भी जाते हैं लद्दाख में लेक पे चलने और गाड़ी चलाने के लिए, वैसे ही अलपत्रा लेक उसे फेमस है। आप यहाँ पे जाके है ना यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व भी देख सकते हो, एक बहुत ही फेमस जगह। और यहाँ पे आपको पेट्रियाटिक फील कराने के लिए गुलमर्ग से आप लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC वो भी देख सकते हो। आप जाओ तो है ना गुलमर्ग जरूर जाइएगा। एक और फैक्ट गुलमर्ग का ये है कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट रोप वे भी गुलमर्ग में है, द गोलकोंडा रोप वे। ये जब आप जाओगे ना और ऊपर जाके जब आप देखोगे ना व्यू, आपके है ना आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, खुश कर देगा, आपको वापस कश्मीर का प्लान करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। इसमें हमारी तीसरी जगह पहलगांव। अब दोस्तों कश्मीर हिमालय की बात हो रही तो भोले बाबा की बात तो आनी आनी है, क्योंकि उनका वास है वहाँ पर। कश्मीर में आप पहलगांव तो जाना ही चाहिए आपको दो चीज़ों के लिए। एक ये पहली चीज़ है अमरनाथ का बेस कैंप है, दूसरी चीज़ पहलगांव अपने आप में एक ऐसा गांव है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हाइट पे है, और ये कसौल की तरह अनटच्ड है। मतलब यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं पर उतना नहीं जाते, क्योंकि लोग समझते हैं ये अमरनाथ का बेस कैंप है तो खाली धार्मिक जगह होगी, बट इसको बोला जाता है द टाउन ऑफ द शेपर्ड्स।
यहाँ पे जाके आप शॉल यू नो कश्मीरी आइटम लेना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आप पहलगाम जाओ तो पहलगाम में खाली तीन ही ATM है, एक SBI का ATM, एक HDFC का ATM और एक J&K बैंक का ATM। यहाँ पे जाओगे तो लोग है ना आपको 5-6 गुना पैसा मांगेंगे, बट ये याद रखना कि आपको उनसे बार्गेन करना और आपको आपके पैसे बचाने। एक बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन, बहुत ही लविंग पीपल है। आप जाओगे तो ओरिजिनल कश्मीर महसूस करने के लिए पहलगाम में आप जरूर जाइएगा। पहलगाम फेमस है अपने रिवर राफ्टिंग के लिए, तो आप जाइएगा तो एक दिन स्पेयर में पहलगाम रखिएगा। आप यहाँ पे कैंपिंग अंडर स्टार कर सकते हो, ड्रीम कैंपिंग आपका। तो आप कश्मीर में हो और कश्मीर में कश्मीर के लार्जेस्ट लेक के बारे में बात ना हो और कैपिटल के बारे में बात ना हो तो कश्मीर का ट्रिप अधूरा रह जाएगा। तो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा आइकॉनिक जगह कश्मीर में दाल लेक, ये सबसे आइकॉनिक जगह है कश्मीर का, सबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जगह कश्मीर का। ये फेमस है अपने शिकारास के लिए। शिकारा वो होता है जैसे हाउस बोट होता है। यहाँ पे आप शिकारा में जाके एक नाइट भी बिता सकते हो और शिकारा में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। दाल लेक फेमस है अपने व्यूज़ के लिए, वो पहाड़ से जब वो स्नो रिफ्लेक्ट करता है बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दाल लेक में मार्केट्स लगते हैं, तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर आप कभी बैंकॉक गए हो कोई भी मेरा ट्रैवलर, तो वहाँ पे जैसे फ्लड मार्केट लगता है वैसे ही शिकारा में उस हिसाब का नहीं, बट वैसे ही मार्केट लगता है, आपको एकदम वेनिस की फीलिंग देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो दाल लेक के किनारे पे, अगर आप जाओ तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। और सोलो ट्रैवलर्स के लिए निर्वाणा है सच में। और आप श्रीनगर में हो तो श्रीनगर में दूसरी चीज़ ये है कि वो सबसे एडवांस शहर है कश्मीर का, तो आप उधर जाके अच्छे अच्छे खाने अच्छे अच्छे शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमारी आखिरी जगह और सबसे इम्पोर्टेंट जगह कश्मीर की है जो है द्रास में। अगर आपको जनरल नॉलेज अच्छा होगा तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों इस जगह का नाम मैं अभी नहीं लूँगा, पर इस जगह के बारे में थोड़ी चीज़ें बताऊँगा। कश्मीर में सबसे इम्पोर्टेंट वॉर हुई थी कारगिल की वॉर, और कारगिल में हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत लोगों ने जान खोई थी अपनी। वो लड़े थे कि हम घर पे आराम से बैठे रहें, वो लड़े थे कि हमारा देश सुरक्षित रहे, वो लड़े थे कि हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहे। कश्मीर अब जा ही रहे हो तो आपका फ़र्ज बनता है कि उनको एक बार विज़िट कीजिए, उनको एक बार सॉरी बोलिए, उनको एक बार थैंक यू कीजिए और उनके बलिदान को आप है ना एक्नॉलेज कीजिए। तो उस जगह का नाम है कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ पे जाओगे तो आपको एकदम पेट्रियाटिक फील होगा। ये एक पिंक सैंडस्टोन से बना एक जगह है द्रास में कश्मीर में, जहाँ पे इंडिया कारगिल वॉर में जो कारगिल में लोग शहीद हुए थे उनके लिए वॉर मेमोरियल बना था। बहुत ही आपको इमोशनल कर देगा। और वहाँ के जो आर्मी वाले हैं जब वो लोकल सिटीजन्स को मिलते हैं कहीं कहीं और स्टेट से, तो उनको प्राउड फील होता है, उनको इनक्रेजमेंट मिलता है। हम अपने इंडियन आर्मी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आपके आइटनरी में आप कुछ भी मिस कर लो कश्मीर का, बट कारगिल वॉर मेमोरियल आपको नहीं मिस करना चाहिए। तो दोस्तों घूम लिया कश्मीर, पहुंच गए कश्मीर। अब घूमते घूमते मुझे तो बहुत भूख लगी है, वो यू नो अमरनाथ की यात्रा देख के, फिर दाल लेक में घूम के, इतनी पटनी टॉप देख के बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया मुझे। एंड अब तो बहुत भूख लगी। तो कश्मीरी खुद का कुजीन होता है, इन लोग कश्मीर में बहुत सारे मसाले यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, तो बहुत ही टेस्टी होता है कश्मीर का खाना। इतना अच्छा होता है ना दोस्तों कि आप उंगलियां चाट चले जाओगे। कुछ फेमस फूड्स कश्मीर के, दमालो रोगन बादाम जोश, योगर्ट मटन करी, चिकन लैम्ब, चिकन कबाब एंड कश्मीरी पुलाव, ये सब चीज़ें आप जाओ तो बहुत ही अच्छी अच्छी जगह खाने के लिए। कुछ रेस्टोरेंट्स रिकमेंडेड है, चिनाद ढाबा, कश्मीरी स्टेट, दिल से कश्मीर, जैसे श्रीनगर, पटनी टॉप, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ढाबे। बट एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, आप कश्मीर जाओगे और आप अगर रोड ट्रैवल कर रहे हो तो कश्मीर में है ना बहुत सारे रोड्स पे छोटे छोटे ढाबे बने पड़े, ये लोग के पास जाओ और एक ढाबे का एक्सपीरियंस और एक लोकल फूड का एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा। आप रेस्टोरेंट या होटल में तो हमेशा खाते हो, बट जाके किसी लोकल चीज़ में लोकल ढाबे पे खाओ, घर का खाना जैसा लगेगा आपको।
तो दोस्तों अब आते हैं कि कश्मीर आप गए हो तो कश्मीर में आप क्या खरीद सकते हो। कश्मीर जैसे कि आपको पता है एक पहाड़ी इलाका है, बहुत ठंड होती है उधर, एंड तो ठंड जहाँ पे होगी वहाँ पे आप क्या खरीद सकोगे? स्वेटर्स, शॉल्स, कारपेट्स, कश्मीरी हैंडक्राफ्ट्स बहुत फेमस हैं। अब जाओ तो एक कश्मीरी आर्टिफैक्ट्स ज़रूर लीजिएगा अगर आपको आपके घर सजाना है। चटाई बहुत सस्ती मिलती है, और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ उधर, अगर आपके यू नो आपके घर पे बच्चे हैं, आप खुद एक क्रिकेट फैन हो, तो कश्मीरी पिलो वाला फूड भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। बैट सीजन और टेनिस के बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब बहुत चीप मिलते हैं आपको, 100-150-200 रुपये में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैट मिल जाएगा जो सालों साल चलेगा। अगर आप एक क्रिकेट लवर हो तो आपके लिए ज़रूर आपको लिस्ट में होना चाहिए कि आप वो बैट ले लो। तो ये था मेरा कश्मीर का प्रेजेंटेशन, होप आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो। और जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी अनपॉपुलर डेस्टिनेशन लेके जाऊंगा कश्मीर में कि आप कश्मीर का प्लान करो तो वो डेस्टिनेशन आपके आइटनरी में होनी चाहिए। तो उस डेस्टिनेशन का नाम है युस्मार्ग। ये कश्मीर का एक बहुत ही अनपॉपुलर डेस्टिनेशन है, बट बहुत ही पिक्चरस, बहुत ही आइकॉनिक डेस्टिनेशन है। अगर आप एक सोशल नेटवर्क एडिक्ट हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये सब यूज़ करते हो और आप एक मेंटल पीस चाहते हो, तो आपको युस्मार्ग ज़रूर विजिट करना चाहिए। जैसे कि फ़ोटोज और वीडियोस में देख रहे हो कितना आइकॉनिक है, ये मैपल ट्री से ढका हुआ है और एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जाओ, रिलैक्स करो, लोकल कश्मीरियों से बात करो, लोकल कश्मीरियों के कल्चर में रहो एक दो दिन और आ जाओ। ये 47 किलोमीटर से श्रीनगर से, यहाँ पे अब एक मोटरेबल रोड बन गया है। अब रोड बनने के कारण यहाँ पे टूरिस्ट बहुत हो रहे हैं, तो आपको अभी भी चांस है, अगर आप कश्मीर की आइटनरी बना रहे हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ जाओ, ये विजिट करो। और है ना, एक एक बहुत ही बड़ा चीज़ है युस्मार्ग में, वो है चरार ए शरीफ। ये एक ऐसा मन्नत का दरबार है, बोला जाता है कि यहाँ पे जो मन्नत मांगो पूरी होती है। तो अगर आप युस्मार्ग जाओ तो चरार ए शरीफ पे ज़रूर अपना माथा टेक लें। और दोस्तों ये था मेरा वीडियो कश्मीर का, होप आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों कश्मीर की बात हो रही तो एक लास्ट चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा मैं, जो मेरे भैया ने मेरे को बताया था, मंटू भैया ने, कि कश्मीर हमेशा से कश्मीरी पंडितों के लिए था, तो अब गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है। अनंतनाग में कश्मीरियों के लिए और कश्मीरी पंडित के लिए अब गवर्नमेंट क्वार्टर्स और सेक्टर्स बना रही है। एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा योगदान है उनके लिए, और उनके जो सैक्रिफाइस किया उन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। दोस्तों हर सफ़र का एक शुरुआत और एक अंत होता है, अफसोस कि यह हमारा कश्मीर का अंत है। अब दोस्तों हर वीडियो के एंड में एक रिवाज, आपको एक शायरी बताऊंगा, है ना, तो कुछ लिखा है, दो लाइनें, गौर से सुनिएगा, अर्ज़ करता हूँ। तो दोस्तों ये शायरी ट्रैवल थेरेपी की फैमिली के नाम, आप सब की दोस्ती का शुक्रिया इस तरह करूं, आप सब की दोस्ती का शुक्रिया इस तरह करूं कि भूल जाऊं अपना नाम पर हमेशा आप सबको याद करूं। तो दोस्तों ये था मेरा कश्मीर का प्रेजेंटेशन। हम अगले हफ्ते चलेंगे केरला, और केरला में एक अल्टीमेट जगह चलेंगे, 2-3 जगह, 5-6 जगह चलेंगे। ज़रूर देखिए अगला हफ्ते का वीडियो, तब तक प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, और दोस्तों प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए कि आप मेरे नोटिफिकेशन देख पाओ, मेरे सोशल हैंडल्स को फॉलो कीजिए। तब तक मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत मिलूंगा आपको अगले हफ्ते किसी साउथ इंडिया के मस्त केरला के डेस्टिनेशन में। हम सब चलेंगे नारियल पानी पीते पीते, तब तक के लिए प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं निशान मिश्रा साइनिंग ऑफ, बाय।